हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गणित कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहर हर्षरूप शर्मा की एनसीईआरटी पैटर्न की अध्याय नंबर है दो घात समीकरण अध्याय नंबर 4 प्रश्नावली आपको 4.G पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद आपको नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन बता दिए थे, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को शायद 19 नंबर तक बताए थे, आज आपको 20 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ी बुक और इधर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अब आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन। देखिए 20 के बाद 23 लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन आपके पास और लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास लिखा हुआ है, 111 पेज नंबर बुक पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, तो ये देखिए मैंने बुक को इधर कर दिया है, ये देखिए आपके पास क्वेश्चन आ गया 20 नंबर। लिखा हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व, अगर शुरू करने से पहले अभी भी आप लोगों ने क्या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, देखते हैं, शुरू करते हैं। और अगर कोई समस्या कोई दिक्कत तो आप लोग क्या कमेंट के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट बना हुआ है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको उस समस्या का निवारण करेंगे। लिखा हुआ है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप देखिए उसकी वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के पहले हमें क्या, उसकी हमें क्या वर्तमान आयु पता ही नहीं है, तो वर्तमान आयु को पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना रहमान की वर्तमान आयु क्या हमने मान ली एक्स वर्ष है, ठीक एक्स वर्ष है, तो उसको जो 3 वर्ष पूर्व, आप लोगों को देखिए 3 वर्ष पूर्व उनका जो व्युत्क्रम दिया हुआ है, 3 वर्ष पूर्व उनका दोनों स्थितियों वाली आयु के जो हमारे पर लिखा हुआ 3 वर्ष आयु का व्युत्क्रम, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो अब देखिए आप लोगों को मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखेंगे देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट या स्टेप फर्स्ट कौन सी है, 3 वर्ष हमारे पास क्या पूर्व वाली, तो 3 वर्ष पूर्व है, तो अगर हमारे पास 3 वर्ष पूर्व आयु हमारे पास अस्मय स्त्री थी और 5 वर्ष यहाँ पे 3 वर्ष हो गई, यहाँ पे ज्यादा आ जाएंगे 5 वर्ष, आपको देखिए थोड़ा नए तरीके से 5 वर्ष क्या हमारे पास आ जाएंगे पश्चात, पश्चात में हम क्या करते हैं जोड़ते हैं और स्टेप आ जाएगी हमारे पास क्या सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपके पास 5 वर्ष और 3 वर्ष आपको दिख रहे होंगे। देखिए 3 वर्ष में है तो हमारे पास पूर्व है तो यहाँ पे x माइनस का 3 करेंगे और अगर पश्चात है तो क्या करेंगे x प्लस की 5 कर देंगे। ये आपके पास कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का जो व्युत्क्रम का जो योग है 1/3 क्या हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, दोनों आयुओं का जो व्युत्क्रम दिया हुआ है हमारे क्या व्युत्क्रम का, यहाँ पे हमारे पास क्या व्युत्क्रम का जो योग दिया है हमारे पास क्या दिया 1/3, तो यहाँ पे व्युत्क्रम क्या करना है 1/x-3 प्लस 1/x+5 बराबर 1/3 ये दिया हुआ। अब इसका आपको सोल्यूशन करना है, तो सोल्यूशन हम कर लेते हैं। इसका स्पेस गुणा हो जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा x-3 और ज्यादा आएंगे x+5, ठीक ज्यादा आएंगे x+5 प्लस x-3 बराबर 1/3 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या, जी देखिए हमारे पास 2x और ये 5 में से 3 कम कर देंगे तो प्लस के 2 बच जाएंगे। अब इसका देखिए यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, गुणा करेंगे x² - 3x प्लस के हो जाएंगे 5x और फिर -15 बराबर 1/3, ये बचाएंगे 2x प्लस के 2 बटी हो जाएंगे हमारे पास क्या x² - प्लस को जाएंगे 2x, 5 में से 3 कम कर देंगे -15 बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/3। देखिए इसका स्पेस क्रॉस कर देंगे तो याद आएंगे 3 दुना हो जाएंगे हमारे पास 6x प्लस 3 दुना 6, तो ये हो जाएंगे बराबर x² प्लस के 2x माइनस के हो जाएंगे हमारे पास 15। अब ये इस तरफ जाएंगे तो याद आएंगे हमारे पास x² प्लस के 2x माइनस के 15 माइनस के 6x माइनस के 6 बराबर 0,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन करना है, फैक्टराइजेशन बन रहा है हमारे पास फैक्टर के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर ठीक है, 6 में से 2 कम कर देंगे माइनस के 4 एक्स, 15 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 21, बराबर हो जाएंगे 0। तो ये हमारे फैक्टर 21 से कम 21। अब देखिए 7 का 21, 7 में से 3 कम कर देंगे हमारे पास क्या 4 बन जाएंगे, फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर माइनस के 7 एक्स और प्लस के 3 एक्स माइनस के 21 बराबर 0। तो इसके फैक्टर ले कर लेंगे तो ये दो दो के हमारे पेयर बन जाएंगे, याद आएगा हमारे पास एक्स कॉमन मिल जाएगा तो एक्स माइनस के 7, यहाँ पे 3 मिल जाएगा तो एक्स माइनस के 7 बराबर 0। तो ये हमारे पास एक्स माइनस के 7 और कॉमन मिल जाएगा और एक्स प्लस के 3 बराबर हो जाएंगे हमारे पास 0। जी आपके पास मिलेगा, देखिए हमारे पास जो एक वैल्यू दी हुई है जी हमारे पास इस पे मान मिलेगा माइनस का, तुम्हारी एज माइनस में होती नहीं है, और एक्स माइनस के 7 बराबर 0, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 7। तो उनकी उसकी जो रहमान की वर्तमान आयु थी हमारे पास कितनी थी, 7 वर्ष, यहां लिख लेंगे अता रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, 7 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जी, आपका हो गया 20 नंबर क्वेश्चन। अब आपको हम बता रहे हैं कि आप 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन वहां पे करनी है, कैलकुलेशन आप जितनी फास्ट करेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन लगा लेंगे। लिखा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा उसी मात्रा में एक घंटा कम समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल बताना है। हमको रेलगाड़ी की चाल तो पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे, हमको पता है माना क्या रेलगाड़ी की, हमारे पास क्या जाएगी रेल गाड़ी की चाल हमने क्या मान ली, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान ली हमने चाल। अब देखिए हमारे पास जब चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमारे पास दूरी कितनी दी है, 300 किलोमीटर दी है, तो हम दूरी से इसको क्या निकालेंगे समय, तो हमारे पास निकालेंगे 360 किलोमीटर दूरी का जो हमारे पास आ जाएगा क्या समय होगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास 360 बटे हमारे पास क्या जाएगा एक्स, ठीक। अब जो हमारे पास जाएगा क्यों समय चाल बराबर था दूरी बटे समय, तो समय बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है तो जी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको आगे पढ़ते हैं, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में एक घंटा कम समय लेती है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या वृद्धि हो रही कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो कुल चाल हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे ये चाल में जब वृद्धि हो जाएगी क्या चाल 5 किलोमीटर प्रति हावर क्या अधिक हो तो उसमें हमारे पास कुल जो चाल आ जाएगी, कुल चाल क्या हो जाएगी हमारे पास x प्लस के हो जाएंगे 5, जोड़ देंगे। अब देखिए 5 हो जाएंगे तो 360 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार अधिक हो जाएगी, तो 360 पे हमारी नई चाल जो मिल जाएगी किलोमीटर दूरी में जो हमारे पास लगा समय होगा क्या हो जाएगा हमारे पास 360 अपान x प्लस के 5 हो जाएंगे। 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में विभिन्न चालों द्वारा लगे दोनों समयों में अंतर हमारे पास कितना है, दोनों का जो समय का जो अंतर है हमारे पास ये समय का कितना हमारे पास एक दिया है, तो लिखेंगे हमारे पास समय का जो अंतर है इतना लिख लेंगे हमारे पास 360, तो दोनों का समय दिया 360 किलोमीटर की दूरी में लगा समय का जो अंतर है हमारे पास क्या दिया है एक दिया है, तो यह जाएंगे हमारे पास 360 अपान एक्स माइनस के 360 अपान एक्स प्लस के 5 बराबर 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 360 हमें कौन मिल जाएंगे, नहीं लेंगे तो यहाँ पे जा जाएगा एक्स प्लस के 5 जो जाएंगे हमारे पास एक्स। अब देखिए हमने आपको सारी चीज बताई, अब आप लोग क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर आपको कोई चीज समझ में ना आई है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिएगा, बैक कर लीजिएगा, आपको सारी चीज वहीं पे लिखी हुई है, आपको सब चीज बताई है मैंने, आप लोग वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा 360 एक्स
प्लस जो हो जाएंगे हमारे पास 36/5 में कर दें हो जाएंगे 1800, माइनस जो हो जाएंगे 360 एक्स बराबर हो जाएंगे हमारे पास 1। अरे देखिए 360 से 360 कट गए तो ये बचेंगे 1800, बराबर जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे हमारे पास 5x, इसका जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के 1800 बराबर 0। गुणा करने पे हमारा 1800, जोड़ने या घटाने पे हमको क्या मिलनी चाहिए 5, 45 चौक होते हैं 180, तो जा जाएंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 40x माइनस के 1800 बराबर हो जाएंगे 0। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, लेंगे यक्स यक्स प्लस के हो जाएंगे 45 माइनस, यहाँ पे 40 कॉमन मिल जाएगा तो जा जाएंगे एक्स प्लस के 45 बराबर 0। अब आ जाएगा एक्स प्लस के 45 कॉमन मिल जाएंगे हमें, जो जाएंगे एक्स माइनस के 40 बराबर 0। अब देखिए हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास ये वाला, इसको हम क्या यहाँ से यहाँ मान ही लिख देंगे क्योंकि हमारे मान नहीं होगी कि यहाँ पे माइनस की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे एक्स माइनस का ले लेंगे 40 बराबर 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास 40, तो एक्स का मान 40 आ गया। तो रेलगाड़ी की कितनी यहाँ पे लिखेंगे अता रेलगाड़ी की जो हमारे पास क्या चाल है वो कितनी हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास रेलगाड़ी की चाल, आपको पता चल गई है, तो चाल से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। बहुत आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन आपके पास हो गया जी, अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा। लिखा है दो पानी के नल एक साथ एक होज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं, तो बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास नल से 10 घंटे कम समय लेता है, प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने के समय के भरने का समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको पता नहीं है कि हमारे पास छोटे व्यास नल होज और भरने में कितना समय लेता है, तो यहाँ लिखेंगे माना हमारे पास लेंगे छोटे व्यास वाला जो नल का हमारे पास होज है वो क्या है भरने होज को भरने में कितना समय ले रहा है हमारे पास यक्स घंटे का समय लगेगा, एक घंटे में भरने का भरेगा तो वो कौन सा भाग भरेगा, एक घंटे में अगर भरेगा तो हमारे पास कितना जाएगा 1/x भाग भरेगा, ठीक, तो 1/x भरेगा। और बड़ा व्यास वाला हमारे पास जो दिया हुआ है हौज भरने में कम से कम व्यास नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो जब 10 घंटे कम समय लेगा तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पे लिख लेंगे बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना यक्स माइनस का 10 घंटे लेता है, तो हमारे एक घंटा भरने में उसको कितना समय लगेगा एक घंटे में हमारा भर देगा 1/x-10 भाग भरेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ अगर उसी समय भरेंगे तो हमारे पास कितना समय ले रहे हैं 9 से 3/8 समय ले रहे हैं, तो ये प्रत्येक तो औज का अलग अलग याद करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे जब दोनों क्या हो जाएंगे जब दोनों ही नल क्या एक साथ उसे भरें ये तो क्या हो जाएगा एक साथ जब भरेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी हमारे पास 9 से 3/8 दोनों का साथ का मतलब योग कर देंगे तो यह जाएगा 1/x प्लस हमारे पास क्या जाएगा 1/x माइनस का 10 बराबर आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे 9 72 3 हो जाएंगे क्या हमारे पास 75, तो जो हो जाएंगे हमारे पास बटी में आ जाएगा तो 9 से 3/8 इसको भी अपान में ही रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक घंटे में हौज भरा जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक घंटे में दोनों का समय, जब एक घंटे में दोनों का समय लेंगे तो
तो इसका आ जाएगा 9 72, 3 75, 75 ऊपर चलेगा बटे 8 बटे 20 कितना आ जाएगा 75। इसका एलसीएम ले लेंगे, एक्स माइनस का 10 ले जाएंगे, एक्स माइनस का 10 और ये प्लस का एक्स ले जाएंगे, 2x प्लस माइनस का 10 बटे आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 10x बराबर 8 बटे 75। ठीक, 8 बटे 75 आ गया। अब देखिए यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद इसका फैक्टर कर लेंगे, हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो इसका इस पे गुणा करेंगे हो जाएंगे 75 गुना हो जाएंगे 150x माइनस हो जाएंगे 750 बराबर 8x² माइनस 8 दम हो जाएंगे 80x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जी हम इस तरफ जाएंगे दिया जाएंगे यहाँ पर 8x² माइनस हो जाएंगे 80x और जी हो जाएंगे माइनस 150x जी हो जाएंगे प्लस के 750 बराबर 0। तो जी हो जाएंगे हमारे पास 8x² माइनस 15 वाट हो जाएंगे 23 230x और प्लस के 750 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारा आंसर मिल जाएगा। इस पर देखिए 4 से हमारा भाग चला जाएगा 2 से, तो जा जाएंगे 4x² माइनस हो जाएंगे 115x प्लस हो जाएंगे 375 बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा, इसकी आपको गुणनखंड करना है, करने के बाद आप इसके आंसर निकालिएगा। इसको देखिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसमें आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको फैक्टर इसके नहीं हो पाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, श्रीधराचार विधि का यूज भी करना पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे श्रीधराचार विधि लगाइएगा कोशिश करने की। देखिए यहाँ पे श्रीधराचार विधि, क्योंकि फैक्टर नहीं होंगे, इसका हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, बहुत चीज मिलेगी, लेकिन हमें जोड़ने घटाने पे 115 नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस समीकरण की क्या करेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, व्यापक समीकरण हमारे पास क्या आ जाएगा, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो तुलना कर लेते हैं, देखिए आपको इस पेज में बताते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं, वैल्यू आपको वही लिखना है। तो a बराबर मिलेगा हमको 4, b बराबर मिलेगा -115, c बराबर मिलेगा हमें 375। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि श्रीधराचार विधि क्या हो जाएगी, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac/2a। अब देखिए माइनस का b हमारे पास माइनस की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे पास 115 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 115 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस का 4, a का मान हो जाएगा 4, c का मान हो जाएंगे 375 बटे आ जाएंगे हमारे पास 2a का मान आ जाएगा हमारे पास 4, माइनस हो जाएंगे प्लस 115 प्लस माइनस 115 का हमारे पास स्क्वायर होता है क्या, 13225 हो जाएंगे। इसका जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 4 × 16, 16 × 85, 16 70 हो जाते हैं हमारे पास 112, 112 आठ हो जाएंगे 120 के 0 बचेंगे 12, 16 × 48 12 हो जाएंगे हमारे पास 60 बटे आ जाएंगे 4 × 8 तो ये जाएंगे हमारे पास 115 प्लस माइनस, अब इसको घटा देंगे जो बचेंगे 5 2 2 और 13 से 6 जाएंगे हो जाएंगे 7 बटे हमारे पास 8। अब इसका फिर से हम अब इसके रूट निकालेंगे, तो रूट निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ से 115 प्लस रूट इसको बताया नहीं, ये हमारा 85 का होता है स्क्वायर, ये बचाएंगे हमारे पास 8 ठीक है जो जाएंगे। अब इसको हमारे पास यक्स का मान जी मिल गया, अब देखिए यहाँ पे हम जब लेंगे यक्स बराबर क्या 115 प्लस के 85/8 लेंगे हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा हमको क्या, 5 × 5 = 10, 8 × 9 = 10 और जो जाएंगे 2/8। तो यह आ जाएगा हमारे पास, इस पे मिलेगा 25 × 8 = 210, यक्स बराबर एक बार 25 मिलेगा हम ले लेंगे जब, और फिर जब ले लेंगे हम क्या यक्स बराबर 115 माइनस के 85 बटे हो जाएंगे 8, तो ये हो जाएंगे 15 × 0 = 11 जाएंगे 3/8, तो ये कट जाएंगे 15/ हो जाएंगे हमारे पास 4, तो ये आ जाएंगे हमारे पास क्या 3 × 3/4 हो जाएंगे 4। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर हो जाएंगे 3 × 3/4, हमारा आंसर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या हमें क्या छोटा व्यास वाला नल उसे 25 घंटे में भरता है,
तथा बड़ा व्यास वाला नल उसे क्या 25 माइनस के 10 मतलब 15 घंटे में भरे गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे छोटा व्यास वाला नल कितना उसे किस में भरेगा, हमारे 25 घंटे में भरेगा, 25 घंटे में भरेगा, भरे में भरता है। तो जो बड़े व्यास वाला नल होगा वो क्या भरेगा, 25 माइनस की हमारे पास आ जाएंगी क्या, यहाँ पे हमारे पास 10 तो जा जाएंगी, 15 घंटे में भरेगा। बस ये हो गया आपके पास आंसर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर, क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। बहुत आसान क्वेश्चन, आप लोग लगाइएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, साथ ही साथ पढ़ते रहिए और देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर कंटेंट अच्छा मिल रहा है, सोल्यूशन आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, लाइक जरूर करके जाइएगा और वीडियो को पसंद भी कीजिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप क्या कमेंट भी कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।